जिंदाबाद जिंदाबाद। सत्य बदल दो, तर्ज बदल दो, वैमानों का राज बदल दो। सत्य बदल दो, तर्ज बदल दो, वैमानों का राज बदल दो। कवर्धा विधायक के तानाशाही रवैये और सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए विधायक कार्यालय का घेराव किया। घेराव से पहले गांधी मैदान में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए जिला भाजपा अध्यक्ष अशोक साहू ने कवर्धा विधायक के पिछले 5 वर्षों को आम लोगों, व्यापारियों, सरकारी कर्मचारी परिवारों तथा भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए प्रताड़ना का समय बताया। उन्होंने विधायक अकबर की निष्क्रियता को रेखांकित करते हुए उन पर धारदार सवाल दागे। सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रमुख नेताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के आह्वान पर कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी एवं बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जिला कबीरधाम द्वारा आज कवर्धा विधायक कार्यालय का घेराव किया गया है। इस प्रदर्शन में सांसद संतोष पांडे, जिला भाजपा अध्यक्ष अशोक साहू, प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत, जिला संगठन प्रभारी दिनेश गांधी, मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए कवर्धा से डॉक्टर मिर्जा के साथ मेघा यादव की रिपोर्ट। सर, आज भाजपा द्वारा 9 मतदाताओं का अभिनंदन किया गया, तो आगे चुनाव की क्या तैयारियां हैं? 9 मतदाता वो जो पहली बार वोट डालते हैं उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि लोकतंत्र के इस महाअभियान में वो सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो वो वोट कर रहे हैं, उस वोट का कितना मतलब है, पुरानी सरकारों ने क्या किया, देश में राजनीतिक हालात क्या रहे और किसने किसने शासन किया, किसने क्या काम किया। जब इन सारी बातों का ब्यौरा किसी नौजवान मतदाता के सामने आप रख देंगे तब वो सही मतदान कर पाएंगे। तो आज हम लोगों ने उनको बुलाकर ये नहीं कहा कि भाजपा को वोट दें, ये कहा कि किसने क्या किया। धन्यवाद। भगवान शंकर महादेव के नाम में सत्ता चला रहे हैं, शर्म नहीं आती, और उसमें सेक्रेटेरिएट के और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री तक, उनके सहयोगी तक उसमें सम्मिलित है, ये सर्वनाश है, जांच होनी चाहिए। आज कवर्धा के अंदर चोरी, कवर्धा के अंदर लूटमार, कवर्धा के अंदर पक्षपात, कवर्धा के अंदर जिस प्रकार से पंचायतों के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, आज उसके विरोध में और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है उसके विरोध में कुल मिलाकर के शासन व्यवस्था चरमरा गई है, जिसे हम गुड गवर्नेंस कहते हैं समाप्त हो गई है। आज उसे लेकर के और मोहम्मद अकबर के विरोध में आज ही उनके कार्यालय का हमने घेराव किया। साल से राहत हो गए, लेकिन आज तक न वहाँ वो गई से देखे बार ना पट्टा वट्टा, कोई घर के कोई समस्या पूछल कोई नहीं आए हमार वहाँ के, जो पार्षद है वो तो 5 साल होने जाते दरवाजा तक नहीं पहुँचे है अभी तक हमारे घर तक नहीं, अभी तक कोई समस्या ऐसे है कि नहीं, कोई चीज नहीं। एक बार अकबर आए इनको बोले थे कि सरकार बनेगी तो पट्टा दिलवाएंगे, तो अभी तक 5 साल हो गए इनको पट्टा नहीं मिला है। सभी को पट्टा, बहुत जन को पट्टा दे दिया गया है, मैं रामकृपाल गोंड बोल रहा हूँ, बहुत जन को पट्टा दे दिया है हमको, हाँ आश्वासन दे देते हैं देने के लिए, जैसे हमारे पास में आते हैं वो सरकार अभी तक हमको पट्टा नहीं दिया, 5 साल हो गए। वार्ड नंबर 7 हम नए सोसाइटी गंगानगर के रहने वाले निवासी थे, जो 200 अकबर सर भी आए थे, अकबर सर भी आए थे, तो हम उसको वहाँ पे खड़े करा के दिखवाए कि ऐसा ऐसा है भैया समस्या, तो इसको हल करो करके, मगर एक ऋषि शर्मा जो है ना वो घेर लगा लिए थे ऐसे कि नहीं देखना है, चलो इधर से चलो ऐसे करके। किन मुद्दों को लेकर के विधायक कार्यालय का घेराव किया गया है? बहुत सारे मुद्दे हैं, एक मुद्दा नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे अघोषित बिजली कटौती वाला, महिला मोर्चा को ये जितने भी हमारी महिलाएं उनको आवास नहीं मिल रहा है, आवास लंबित लेट हो रहा है, और क्या बोलते हैं शराबबंदी को लेकर, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हम लोग जिसको लेकर ये विधायक कार्यालय घेराव। कैमरामैन नसीब के साथ मेघा यादव, न्यूज़ प्लस 21, कवर्धा, आपके हक की बात।